राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और बनाने जा रहे हैं सत्तू के पराठे। तो इसमें हींग, जीरा, अजवाइन और थोड़ा सा नमक और हल्का सा हल्दी पाउडर डाला है, इसका कलर अच्छा आएगा। और उसके बाद में ये चने ले लिए हैं, चने थोड़े धुले, और ये सारे मसाले ले लिए हैं। इसमें मिर्च है, गरम मसाला, धनिया है, टमाटर है, प्याज है और अचार है, यही सब मसाले लिए हैं। और थोड़ा सा हमने ऑयल डाल लिया है इसमें, और थोड़ा सा अचार डाल लेंगे। अभी हमारे अचार में मसाला नहीं है, तो अचार ही हम ऐसे करके इस तरीके से मिक्स करके इसमें डाल देंगे। और ये देखिए, तेल जो है, तेल डाला था उसको मिक्स कर लेंगे। और ये नींबू निचोड़ देंगे। नींबू जो है खट्टापन देगा, अच्छा रहेगा। तो एक नींबू निचोड़ दिया है इसमें, और ये बच्चों को बहुत पसंद है। ये चने हैं, आटा गूंथ के तो पहले ही रख दिया था, ये चने हैं। तो हल्का सा पानी डालेंगे इसमें, क्योंकि पानी प्याज थोड़ा हल्का ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। तो हल्का सा पानी डाल लेंगे, तो अच्छे से ये ना, ये जब तक बाइंड नहीं होता है तब तक पराठा ना अच्छे से भरते नहीं हैं। तो उसके बाद में ये आटा जो है हमने फुला के रख दिया था, थोड़ा सा पानी डाल के। और फुला के रखना बहुत ज़रूरी होता है आटा। और ये पराठे का आटा जो जितना मुलायम रहेगा उतना ही पराठा अच्छा बनेगा। तो मुलायम मुलायम एकदम आटा जो है लगाते हैं। और उसके बाद में अब हम बनाने जा रहे हैं पराठा। तो पराठा के लिए हमने तवा चढ़ा दिया है, और पराठे के लिए तवा थोड़ा सा मोटा ही तले का हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो गैस पे हमने चढ़ा दिया है, और उसके बाद में अभी हम पराठा बेल के तैयार करेंगे। और बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पराठे। तो पराठा जैसे ये, और देसी घी में ज़्यादा पसंद है। ये बॉटल में थोड़ा सा घी लगा था, तो इसको हल्का सा गुनगुना कर, गरम करके हल्का सा आँच दे के, और इसको ये घी निकाल लेंगे और घी के भी पराठे बनाएंगे। देसी घी के पराठे चाहे आलू के हों, गोभी के हों, या पनीर के पराठा हों, या चने के, वो सब अच्छे बनते हैं। तो देसी घी से ही ज़्यादातर पराठे बनाते हैं। तो उसके बाद में अब हम एक छोटी सी लोई काटेंगे, लोई काट के तैयार करेंगे ये इतनी। और उसके बाद में इसको हल्का सा गोल गोल कर लेंगे, और उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, हाथ से ही बढ़ा लेंगे, क्योंकि मुलायम है एकदम आटा। और ऐसे ही आटे की बनती है रोटी, हाथ वाली। हाथ वाली रोटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन चूल्हे में बनाओ तो अच्छे से पकती हैं। और इस तरीके से चारों कोनों को दबा दिया है बीच में, और ऐसे करके थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। और इसके बाद में पराठा बेल के तैयार करेंगे। धीरे धीरे बेलना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बेलना है, क्योंकि वो जो भरावन भरा है तो निकल ना जाए इसलिए। और इस तरीके से पराठा डाल दिया है हमने तवे पर, और तब तक दूसरा पराठा भी बना के तैयार कर लेंगे। हम अच्छे से खूब भर रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा, तो इसीलिए फटने का डर रहता है। लेकिन मुलायम, अगर आटा मुलायम गीला रहेगा अच्छे से, तो ये पराठा फटेंगे नहीं। तो इसको दूसरा पराठा भी देखो बेल के तैयार कर लिया, और जो पहले डाला था तवे पर उसको सेकना है, तो उसको पलट दिया है, और इसमें घी लगा के इस तरीके से धीरे धीरे इस पे ऊपर घी लगा देंगे, और दूसरी तरफ भी लगा देंगे, और उसको पलट पलट के सेक लेंगे। और बच्चों को सब्जी भी बनाई थी, लेकिन बच्चों को चटनी के साथ ज़्यादा पसंद है, तो इन लोगों ने चटनी के साथ ही खाया था। चटनी बनाई है और सब्जी भी, तो चटनी बनाई है मूंगफली की। इसमें मूंगफली, हरी मिर्च और धनिया सारा कुछ डाला है। ये, और यहाँ पे पलट पलट के ऐसे सेक लेंगे। और ये पराठा बन के तैयार हो गया, लेकिन थाली लगाए पहले ही खड़ी है सेजल। और आज ये बनाए थे तो गाय को भी नहीं इसने देने दिया, इसने झटपट खा लिया और तोड़ के फिर गाय को नहीं दे पाए। तो इसलिए
फिर गाय को बाद में देने जाएंगे। और ये लोग बैठ गए हैं खाने, इन लोगों को सब्जी नहीं चाहिए। दीदी तो बाल धुल के आई थी, संडे था ना, संडे को बनाए थे तो बाल धुल के आई थी, ऐसे ही बैठ गई। और दीदी ये रो रही हैं यहाँ पे बैठे बैठे, ये कुछ नाराज हो गई मेरे हैं। गुल्लू। इनको मारते नहीं हैं लेकिन आज थोड़ा सा मार दिया है। और यहाँ पर हम शाम को बनाने जा रहे थे जो तरोई के छिलके होते हैं उसकी सब्जी, और रिद्धि को भी पसंद है, हमें भी कैसे हैं पसंद आप है। सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। वजन करने कम करने की कोशिश में थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। आज ना सोच रहे थे अभी जाएंगे, और इतने टाइम कितना टाइम हुआ बाबू, कितना मोबाइल में टाइम हुआ? हम सोच रहे थे लो टहल के आए, लेकिन टहलने नहीं जा पाए। 7:30 हो गया, अब 7:30 हो गया। तरोई के छिलके काट के रखे थे और आलू, तरोई के छिलके और आलू, लहसुन और थोड़ा सा मिर्च डाल के बनाओ, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। तो वही बनाने जा रहे हैं। रिद्धि तो खाना खाने जा रही है, और सेजल पापा सुबह आए ही नहीं थे खाना खाने, तो अभी आए हैं। मक्खी बहुत ज़्यादा हो गई, मक्खी उड़ रही हैं, बड़ी बड़ गंदगी लगती है मक्खियों से। और मोटापा कम करने की कोशिश, लेकिन जब जब टहलने ही नहीं जा पा रहे तो मोटापा कहाँ से कम होगा। लेकिन जाएंगे, थोड़ा सा खाना बना ले, फिर सोच रहे अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे। सेल आटा गूंथ रही है और हम लहसुन छील रहे हैं, तो लहसुन छीलने के बाद में फिर सब्जी छौंक देंगे। आलू काट के, थोड़े से आलू काटेंगे, बस सब्जी बना लेंगे। और बारिश है ना बाहर, हमारे पानी भरा है घर के बाहर, और थोड़ा सा भी कहीं जगह ऊपर जीना है, जीना खुला है तो उसमें पर्दा बांध के आते हैं, लेकिन पर्दा जो है वो खुल जाता है, फिर भी उसमें गेट नहीं है तो वो पर्दा खुल जाता है, समझ लो मक्खियाँ नीचे भड़बड़ाते हुए चली जाती हैं। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान की है, और हमें बहुत ज़्यादा घिन आती है मक्खियों की। लेकिन वो जैसे गेट खोलते हैं ये लोग, बंद करते हैं दिन भर, तो उसमें भी चली आती है। देखो सेल की कमर गिरी पड़ रही है। और ये बाबू बैठा, बाबू कमाई कर रहा है, और इतनी देर खा रही है, ये खा रही बैठी। तो अभी जाएंगे खाना बनाएंगे, उसके बाद में टहलने के लिए थोड़ा सा देखते हैं, टहल के आएंगे और भूल जाते हैं हर बात। सोचते हैं कि ये बोलना है, ये बताएंगे, ये अच्छी अच्छी पता है, जैसे है, वो हनुमान जी नहीं भूल गए थे कि हमने पर्वत उठाया था, ऐसे ही जैसे कुछ बातें हैं कि जैसे दूसरे के मुंह से सुनते हैं, दूसरा कोई बताता है कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसी जैसे बीमारी में ये चीज़ काम आती है, हमें खूब पता है, सब कुछ पता है, लेकिन भूल जाते हैं। क्यों भूल है पता नहीं, माइंड ये जैसे वो जो नोट करके रख लिया तो वो वही याद रहेगा, और बाकी सब सब कुछ भूल जाते हैं। पता नहीं कैसी वो दिमाग खराब हो गया हमारा दिमाग खराब कुछ नहीं, हमारा दिमाग खराब है, बस यही है, इसीलिए तो बोलते हैं बार बार खाना। वो सेल पापा बोलते हैं कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि खाना क्या खाया सुबह, तो हम सच में नहीं पता चलो फिर जब याद आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बहुत अच्छी बात बताने वाले थे, लेकिन जब याद आएगा तभी बताएंगे। और ये आप लोगों को बताने जा रहे थे आज कि जिस घर में औरतों की इज्जत नहीं होती है, जैसे पैर की जूती समझा जाता है, औरतों को बिल्कुल मान सम्मान नहीं मिलता है, कि जैसे काम वाली एक बाई होती है उसी तरीके से यूज करते हैं कुछ लोग ना, बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं कुछ लोग, सबकी नहीं कह बोल सकते हैं, कुछ लोग तो बहुत प्यार से रखते हैं, सम्मान देते हैं जो भी उसके हकदार है। और औरत के बिना तो दुनिया अधूरी रहती है, लेकिन जेंट्स लोग समझते हैं कि हाँ ये पैर की जूती है, इसको तो ज़रूरत है हमारी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग ना, हम लोग ही उनको देते हैं सह, उनको मौका देते हैं कि हम लोग कुछ करना तो चाहते नहीं है, कि घर में बस पड़े रहो और घर का काम करो। घर का काम कुछ कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो लोग मानते नहीं है ना, ये कोई भी नहीं मानता है कि घर में भी काम होता है, इसलिए अपना काम भी बहुत ज़रूरी होता है। और जिस घर में औरतों की इज्जत नहीं होती उस घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती है। अगर किसी के घर में घर की लक्ष्मी ही प्रसन्न नहीं है, परेशान रहती है, तो फिर उसके घर में कभी भी सुख शांति नहीं आ सकती है। और यहाँ पर
सब्जी बन गई, लेकिन ये सेजल बोली मम्मी रोटी हम बना लेंगे, तो रिद्धि जा रही मार्केट, रिद्धि को मार्केट भी जाना है झोला टांगे, और इसने रोटी भी बिलवा ली। और ये देखिए बिना हल्दी की सब्जी बनाई है, छिलके आलू और इसमें लहसुन सब डाल के, तो बहुत ही अच्छी लगती है हमें। और ये नाशपाती लाते हैं, और नाशपाती बहुत बढ़िया है, सीजनल फ्रूट है, और ये पेट भी बहुत अच्छा साफ करता है, तो ये फल खाना चाहिए, और सीजन वाला फल तो खाना ही चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे।